हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। चैनफा हिंदी पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने इंडिया की ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे फिगर्स जो आज के एक प्रोमिनेंट पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आए हैं, और वो ग्राफिक्स बड़े बेहतरीन ग्राफिक्स हैं। उसके अंदर कई इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो इतनी चौंकाने वाली हैं कि कम से कम एज ए मैं अपने आप को जो अर्थशास्त्र का एक स्टूडेंट समझता हूँ, तो मेरे लिए भी चौंकाने वाली हैं, शॉकिंग हैं। जानकारी भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, और इसमें एजुकेशन भी है। इसके अनुसार मॉर्गन स्टैनले पहला ग्राफिक्स है, इसने 2017 के अंदर एक चार्ट बनाए थे और बताया था कि इंडिया कैसे 2024 के अंदर एक $5 trillion की इकॉनमी बन सकता है। फिर लगातार उन्होंने 2018 के बाद पर क्वार्टर की ग्रोथ को बेस करते हुए प्रोजेक्शंस को रिवाइज करना शुरू किया, और इतना होगा तो कितना, इतना होगा तो कितना, इतना होगा तो कितना, तो करते करते अभी जो लेटेस्ट जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं कि अब ये 2024 के अंदर गोल पूरा नहीं हो सकता है। द अर्लीस्ट डेट विच दे हैड गिवन नाउ इज 2026-27, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि 7 से 8 साल। मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारी ग्रोथ डिसमल है और बहुत जल्दी पिकअप होने का कहीं कोई भी चांस नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, आई शुड बी पॉजिटिव। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन ऑप्टिमिज्म और सो कॉल्ड होप, उसके नीचे एक आधार भी होना चाहिए। आप हवा के अंदर बातें नहीं कर सकते, ग्रोथ हवा में नहीं होती है, और एक्चुअल और फैक्चुअल एस्टिमेट्स को पेश करना ही इस चैनल का काम है। तो मैंने जैसे कहा कि हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम फैक्चुअल बात करेंगे। और जहां तक एस्पिरेशनल एक नीड की बात है कि हम $5 trillion होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, फिर 5 trillion ही क्यों, $10 trillion क्यों नहीं। तो एस्पिरेशन और होप रखना और पॉजिटिव रखना वो हमारा काम है, हम रखते हैं, लेकिन फैक्ट्स कुछ और बोलते हैं, और फैक्ट्स अलग हैं। और हकीकत में जो दुनिया चलती है, जो ग्रोथ होती है, वो फैक्ट के बेस पे होती है, वो आपकी एस्पिरेशन के बेस पे नहीं होती है। अगर एस्पिरेशन एफर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो होता हुआ नजर नहीं आता है, तो उस मामले में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पेसिमिस्ट हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं बेसिकली जो जमीन से चीज निकल के आ रही है, जो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मैं ये क्यों कहूं कि मेरी जेब में 20 रुपए हैं? मेरी जेब में 20 है ही नहीं, तो मैं क्या स्पेंड कर सकता, मैं 10 रुपए खर्च कर सकता हूं ना। ये मेरा पॉजिटिविज्म है, कि ये मेरी होप है कि मैं अपनी चादर को अच्छे ढंग से पहचानता हूं। अब दूसरा जो एक ग्राफिक आता है, 5-6 ग्राफिक्स हैं, दूसरा ग्राफिक चौंकाने वाला, यानी कि एक कंट्री की ग्रोथ डॉलर टर्म्स में और लोकल करेंसी के टर्म में। अब यहां पे क्या होता है ना कि बड़ा वेरिएशन पैदा हो जाता है। अगर लोकल करेंसी के टर्म में अगर हम देखते हैं, तो हमारी ग्रोथ इंडिया की 2018 में 7 थी, चाइना 6.6, हालांकि इंडिया 6.8 पे आ गया था, यूनाइटेड स्टेट्स 2.9, स्पेन 2.6, और उसके बाद जापान 0.8, और पूरे वर्ल्ड का एवरेज 3.0, और फ्रांस, जर्मनी, जापान सब 2% से नीचे। ये उनकी करेंसी के, लोकल करेंसी के रेट में। तो यहां पे इंडिया आपको बड़ा रोजी पिक्चर लग रहा है, लेकिन चलिए इसको डॉलर टर्म्स में कंपेयर करते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, कि जब हम डॉलर टर्म्स में आते हैं, किस ढंग से करेंसी स्ट्रेंथन होती है या वीक होती है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो हमने ये पाया कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डॉलर ग्रोथ है, वो चाइना की है 12.1%, और इंडिया यहां पे बॉटम पे है 2.8% की। ये असली ग्रोथ है। अब मैं आपको बता रहा हूं, हम रूपी वाली ग्रोथ को असली ग्रोथ ना समझें। तो डॉलर टर्म की जो ग्रोथ है 2.8 है, यहां जर्मनी की 8.2, फ्रांस की 7.4, यूके 7.1, इटली 6.5, यूनाइटेड स्टेट्स 5.2, रशिया 5.0, और जापान इंडिया से नीचे है 2.3, कनाडा 3.8, तो इंडिया 2.8। यानी कि डॉलर टर्म्स में हमारा
और अमेरिका का या कहा जाए चाइना का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये असली पिक्चर है। अब चलते हैं अगले ग्राफिक। ये ग्राफिक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक है और इसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। ये डॉलर टर्म्स में जो हमारा इंक्रीज हुआ है, तो हमने सपोज करो कि इंडिया की इस टाइम जो इकोनॉमी है करीब करीब 2.7 ट्रिलियन नापी जाती है, इसको हम कहेंगे 2700 बिलियन डॉलर। चाइना इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 13,000-14,000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, अमेरिका 20,000-21,000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। अब इसमें देखते हैं कि हमने ऐड कितना किया डॉलर टर्म्स में। इंडिया का जो टोटल एडिशन था लास्ट ईयर जीडीपी के अंदर, वो 74 बिलियन डॉलर, यानी कि हम 2.7 से जंप करके अगर 300 बिलियन डॉलर ऐड करते तो हम 3 बिलियन डॉलर पे आते थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हम सिर्फ 74 बिलियन डॉलर इसमें ऐड किया। रशिया ने 79, जापान ने 111, इटली ने 127, यूके ने 187, फ्रांस ने 191, जर्मनी ने 304 बिलियन डॉलर ऐड किए। इसी वजह से इंडिया जो था, जो पांचवें स्थान पे था वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में, खिसक के वापस सातवें स्थान पे आ गया। अमेरिका ने 1,000 बिलियन डॉलर ऐड किया, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर ऐड किया। अगर 20 था तो 21 हो गया, 21 था तो 22 हो गया। अब देखिए चाइना ने कितना ऐड किया है, 1465 बिलियन डॉलर। इट इज 20 टाइम्स मोर देन इंडिया। आप समझ सकते हैं कि चाइना और अमेरिका हमसे कितना आगे है, यानी कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये वही हाल हो गया कि एक रैबिट और टॉर्टॉइस की रेस थी, जिसने रैबिट ने बीच में रेस्ट नहीं किया और सीधा जीत गया, और टॉर्टॉइस को वहां पहुंचने में सालों लग गए। ये वो रेस है साहब, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। अब एक जो एक लास्ट ग्राफिक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इसमें ये है कि अगर इंडिया की ग्रोथ 7% रहती है और बाकी देश जो आज की जगह पे है, उनके अंदर जो ग्रोथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे इस ग्राफ के अंदर, तो सपोज करो आज का अमेरिका, आज का जर्मनी, आज का चीन, आज का इटली, आज का रशिया, आज का ब्राजील, तो हमें उस लेवल पे पहुंचने में पर कैपिटा इनकम के अंदर और जीडीपी के अंदर भी, और जीडीपी बेस्ड पर कैपिटा इनकम के बेस पे हमें कितने साल लगेंगे, यानी कि जहां आज अमेरिका है उस लेवल तक हमें पहुंचने में 7% ग्रोथ पे हमें 60 साल लगेंगे, 60 ईयर्स। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 62,000 डॉलर्स है, इंडिया जो है 2,000 डॉलर है, हमें 60 साल लगेंगे। जर्मनी तक पहुंचने में 55 साल, कनाडा तक पहुंचने में 55 साल, फ्रांस 53, यूके 53, जापान 52, इटली 49, रशिया 30, चाइना तक, जो आज का चाइना है वहां तक पहुंचने में, उसकी प्रोस्पेरिटी तक पहुंचने में हमें 27 ईयर्स लगेंगे। 27 ईयर्स में चाइना कहां जाएगा खुदा ही जानता है। और इवन ब्राजील तक पहुंचने में हमें 26 साल लगेंगे। इससे आपको पता लगता है कि अभी हमारी यात्रा बहुत लंबी है, हमने अभी सिर्फ शुरू किया है। निराश होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद करके अपने आप को चीन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जापान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अमेरिका से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। तो उनके लिए एक आईना होना चाहिए कि वो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैंने थोड़े आंकड़े बता दिए हैं। ये ज़मीनी हकीकत है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, लेकिन मुझे झूठे ऑप्टिमिज्म के अंदर यकीन नहीं है। जो फैक्ट है वही चैनल 5 हिंदी है और न्यूज़ टाइम भी है। हम गलत पिक्चर पेश नहीं करते हैं, हम ऑथेंटिक पिक्चर पेश करते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से जो पिक्चर होती है वो पेश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड पेपर है, और उनके जो भी ये फिगर्स आ जा रहे हैं, ग्राफिक्स जो आए हैं वो अभूतपूर्व हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इन्हें मैं सेव करके रखूँगा, ये मेरे आगे भी काम आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।